Ethics with S Ansari remains the best ever choice. Do you know that ethics paper is the only paper in general studies that pays more with less efforts? One can easily secure 130 to 140 marks. Lukman IS is a well established name since 2014 for ethics paper. We offer three types of courses Ethics Foundation Course, Ethics Case Studies, and Ethics Test Series. Since 2015, Lukman IAS students have maintained the records of securing the highest marks in this paper. So, why to wait? Contact us today for more information. Uh, namaste everyone. Uh, I am Nitin Navander and by God's grace I have secured an All India rank of 32 in this year's Civil Services Examination. Uh, in this video at DKT. I would be briefly uh, stating my strategy for writing essay and general studies papers. So let's begin with essay. Uh, आपको essay की uh, preparation के लिए कुछ अलग से करना नहीं होता. Everyone will tell you that essay can be written with the content that you have already studied for general studies. But आपको essay writing का जो art है उसको समझना होगा. Essay लिखे कैसे जाते हैं, essay को impressive कैसे बनाना है, उसमें flow कैसे maintain करना है. उसमें आपकी इनोवेशन आपको कहाँ यूज़ करना है ये आपको सीखना होगा और उसी से आपका ऐसे इम्प्रेसिव बनेगा जो आपको अच्छे नंबर दिला सकता है और बहुत हाईली स्कोरिंग माना जाता है ऐसे पेपर टू स्टार्ट विथ सम जनरल पॉइंट्स फॉर ऐसे राइटिंग आपको एक बहुत अच्छा इंट्रोडक्शन लिखना होगा ऐसे के लिए और ये इंट्रोडक्शन आप uh, कुछ भी कर सकते हो आप खुद से बना के लिख सकते हो आप आपका इनोवेटिव अप्रोच ले सकते हो आप कोई रियल लाइफ स्टोरी हुई हो जो हिस्टोरिकल हो आप उसको कोट कर सकते हो बट मेनी टाइम्स पीपल ऑल्सो मेकअप देयर ओन स्टोरीज दे नेम सम एक्स वाई जेड बॉय और गर्ल एंड देन दे शो दे गिव सम कंटेक्स अबाउट दैट पर्सन एंड देन कंटिन्यू राइटिंग द बट इसमें uh, एक प्रॉब्लम ऐसी होती है कि आप जो स्टोरी बना रहे हो वो वो थोड़ी कभी कभी टॉपिक से वेग हो जाती है वो टॉपिक को मिस कर देती है हिट करना नहीं हिट नहीं होती वो टॉपिक को तो इसमें आपका इंट्रोडक्शन इतना अच्छा नहीं होता इतना इम्प्रेसिव नहीं होता एंड इट गिव्स, इट सेंड्स अ रॉन्ग मैसेज टू द एग्जामिनर कि कैंडिडेट को ऐसे का टॉपिक समझ में नहीं आया है एंड देन द होल एस विल नॉट गो वेरी गुड सो ऐसे को और इस ऐसे इंट्रोडक्शन लिखने में और एक बात है कि ये बहुत कॉमन सी चीज़ है जो सब लोग कर सकता है जो हर कोई कर सकता है किसी एक पर्सन को नेम कर दो और कुछ स्टोरी बना दो एवरी वन कैन डू दिस दर इज नथिंग न्यू दर इज नथिंग इनोवेटिव इन दिस सो माई सजेशन वुड बी कि कम अप विद अ रियल लाइफ स्टोरी हिस्टोरिकल स्टोरी दैट हैज़ बीन देयर एंड विच इज़ वेरी रिलवेंट टू द टॉपिक और कम अप विद योर ओन इनोवेटिव आइडियाज दैट कैन हेल्प यू स्टार्ट एन एस है और यू कै नो इवन स्टार्ट विद अ कोर्ट बट वैन यू स्टार्ट विद अ कोर्ट द कोर्ट शुड भी हंड्रेड परसेंट रेलिवेंट टू द टॉपिक इवन इफ इट सेवेंटी टू एटी परसेंट इट वर्क बिकॉज देन इट विल अगेन मैसेज दैट यू हैव अंडरस्टूड द टॉपिक एंड इट्स वेरी इसेंशियल इन यू पी एस सी सी एस सी एग्जामिनेशन दैट यू राइट वॉट इज आस्ड एंड यू डू नॉट राइट वॉट यू नो जो काफ़ी बार हम लोगों से मिस्टेक हो जाती है वी हम हमें जो पता है वो लिखने का प्रयत्न करते हैं और ना कि जो पूछा गया है हमसे एंड ये बहुत बड़ी पेनल्टी लगाता है अपने मार्क्स पे सो दिस इज़ वन थिंग सेकेंडली आप जब भी ऐसे लिखना uh, प्रारंभ करेंगे तो उससे पहले आपको 25 से 30 मिनट तक उसका एक रफ स्केच बनाना चाहिए ऐसा मेरा मानना है क्योंकि इस इससे आपको पता चलेगा कि आपके पास पॉइंट्स कितने हैं आपको पॉइंट्स uh, को प्रियोरिटाइज़ कैसे करना है उनको अरेंज कैसे करना है ताकि हर पैराग्राफ में आप कोई नई आइडिया नया डिमेंशन खोल सको एग्जामिनेशन एग्जामिनर के सामने जिससे एग्जामिनर uh, को ऐसे पढ़ने में भी इंटरेस्ट आए और आपको अच्छे नंबर भी मिल जाए सो so, एक रफ स्केच बनाना चाहिए जिसमें आप ये भी डिसाइड कर लो पहले से कि आपको इंट्रोडक्शन में क्या लिखना है आपको पॉइंट्स कैसे अरेंज करने हैं आपका कंक्लूजन क्या होगा और आप किस व्यूज़ को सपोर्ट करना चाहते हैं या आप बैलेंस रखना चाहते हैं तो वो आपको सब मैनेज करना होगा इन ट्वेंटी फाइव टू थर्टी मिनट्स में जनरली uh, uh, दो ऐसेज लिखने होते हैं ढाई सौ मार्क के इस पेपर में और इफ़ य डिवाइडेड बाय टू देन आपको वन एंड हाफ आवर मिलता है हर एक ए, हर एक ऐसे के लिए तो आप एक घंटे में ऐसे लिख सकते हो क्योंकि आपकी जनरल स्टडीज़ में आंसर राइटिंग प्रैक्टिस से स्पीड uh, तो अच्छी हो गई होगी तो आपको थर्टी मिनट्स आई 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 से दैट थर्टी मिनट्स आपको देना है रफ स्केच के लिए बिकॉज इट इज़ वेरी असेंशियल ये स्केच ही डिसाइड कर लेगा कि आपका ऐसे किस डशन में जाने वाला है और आपको कितने नंबर दिलाने वाला है माई वन मोर सजेशन वुड बी टू अंडरलाइन इंपॉर्टेंट पॉइंट्स डेटा कोड्स इन द ऐसे तो एग्जामिनर एग्जामिनर का अटेंशन ड्रॉ करती है ये चीज़ और वन मोर थिंग आई वुड से कि आप स्केल यूज़ कर लीजिए बिकॉज ऐसे राइटिंग में आपको टाइम बहुत मिलेगा आपके पास टाइम होगा तो यूजिंग अ स्केल वुड मेक इट लुक मोर नीट एंड टाइडी एंड ऐसे में इसके नंबर मिलते हैं ऐसा मैंने ऑब्जर्व किया है आई वुड ऑल्सो से दैट जब आप कोर्ट्स लिखोगे तो अगर आपका कोर्ट सेवेंटी परसेंट रेलिवेंट है टॉपिक से तो आप उसको मेन बॉडी में लिखिए और यदि वो हंड्रेड uh, परसेंट है तभी आप उसको इंट्रोडक्शन में या कंक्लूजन में लिखिए उससे और 70% se kum agar wo relevant hoga toh, it's of no use because then again you will divert from the main topic of the essay and you, your essay will uh, go out of flow and won't be uh, coherent uh, to the topic that has been given to you. So this is my uh, short uh, uh, strategy for essay which I advise you and with this I would also want to say ki be ready with some popular themes that you expect to come uh, in the paper. फॉर एग्जाम्पल आप इन्वायरमेंट के इंट्रोडक्शन को प्रिपेयर करके रख सकते हो आप एग्रीकल्चर के इंट्रोडक्शन को प्रिपेयर करके रख सकते हो और इसमें यू कैन गो यू कैन डू वॉट एवर यू वुड वॉन्ट टू फॉर एग्जाम्पल आई हैड रिटन डाउन एंड लर्न द कोर्ट्स और द्रेवल लॉग रिटन बाई फ्रेंच ट्रैवलर बर्नियर वेन ही ब्रिटिश एरा And he described the richness of agriculture in India at that time. So, some, suppose a uh, topic is related agriculture, and uh, suppose uh, uh, fit is relevance is better. So, we could start with how uh, rich we were, how uh, prosperous we were in agriculture in those times, and now how we have uh, come uh, through, through this long way. So, these are some interesting things you can do uh, to make an uh, introduction more impressive. फॉर एग्जाम्पल मैंने कोर्ट नोट करके रखा था नोबल uh, लॉरेट no uh, uh, है वो इकनॉमि हिज एन इकोनॉमिस्ट उनका नाम गुनर मिर्डाल है तो उन्होंने कोट किया था कि द लॉन्ग टर्म बैटल इन इकोनॉमिक डेवलपमेंट विल बी वन और लॉस्ट इन एग्रीकल्चर सेक्टर सो दिस इज वेरी इंप्रेसिव कोट एंड इट कैन बी यूज्ड इन व्हेन व्हेन द एसे रिलेट्स और कम्स इन द थीम ऑफ एग्रीकल्चर सो दिस इज सम अबाउट एस ए वी कैन मूव फॉर्वर्ड फॉर राइटिंग जनरल स्टडीज पेपर्स अब जी एस पेपर्स में एक बात ऐसी है कि यहाँ कंटेंट सबके पास होता है कंटेंट सब वही पढ़ रहे हैं सेम रिसोर्सेस है सेम कंटेंट है सेम एग्जाम्पल्स है सबके पास सो इन दिस इन दिस सिना हाउ डू यू मेक योर आंसर स्टैंड आउट फ्राम एवरी वन एल्स तो

तब केस स्टडीज में हमें uh, काफ़ी बार स्टेक होल्डर्स पूछे जाते हैं या फिर हमें लिखने होते हैं कि इस केस में इस पर्टिकुलर केस uh, में हु आर द स्टेक होल्डर्स तो इसमें हम जनरली ट्री डायग्राम बनाते हैं या फिर एरो करके बना देते हैं लिख देते हैं तो वन इनोवेटिव वे टू राइट दिस इज बाय ड्राॅइंग अ पाए चार्ट एंड देन इन दैट यू डिवाइड द पाए चार्ट एज पर द वेटेज दैट द पर्टिकुलर स्टेक होल्डर होल्ड्स सो इन दिस वे इट विल मेक योर आंसर लुक मोर अपीलिंग टू द एग्जामिनर एंड आधा एक नंबर आपको ज़्यादा मिलने की संभावना है द अदर थिंग इज टू एड वैल्यू टू योर आंसर सो दिस कैन भी डन बाई इन इन वेरियस वेज एंड इट डिफर्स फ्राम पेपर टू पेपर सपोज़ आई वुड से फॉर जी एस वन जहाँ पे हमें हिस्ट्री जोग्राफी सोसाइटी के टॉपिक्स है तो आप हिस्ट्री में वैल्यू uh, एडिशन ऐसे कर सकते हो कि आपको कोई सपोज एक क्वेश्चन आता है कि टेल अस दी कंट्रीब्यूशन ऑफ एम के गांधी टू इंडियन नेशनल मूवमेंट अब ये आंसर सबको पता है सब लोग वही बेसिक चीजें लिखेंगे तो हाउ डू वी स्टैंड आउट फ्रॉम इन दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन सो राइटिंग दिस द आंसर टू दिस विल विल इट वी कैन मेक इट स्टैंड आउट बाय एडिंग द एग्जैक्ट ईयर्स इन विच द इवेंट हैपन द प्लेस और वी कैन ऑल्सो इंक्लूड डिफरेंट कोर्ट्स और लाइन्स सेट बाई लीडर्स एट दैट टाइम सपोज कोई नया एक्ट आ जाता है तो उसको क्रिटिसाइज करने के लिए हमारे लीडर्स ने कुछ कमेंट uh, किया है उस पर सो दीज कमेंट्स कैन बी लर्न वन और टू कमेंट्स फॉर ईच मूवमेंट और ईच एक्ट दैट हैज़ बीन पासड बाय द ब्रिटिश गवर्नमेंट सो ऐसा हम कुछ लर्न करके रख सकते हैं पहले से और इसको हम आंसर्स में यूज कर सकते हैं तो इट विल मेक इट मोर इफेक्टिव एंड मेक इट मोर अपीलिंग टू द एग्जामिनर सिमिलरली जोग्राफी में आपको वर्ल्ड मैप्स यूज़ करने होंगे सोसाइटी uh, में वन थिंग आई वुड से विच आई प्रैक्टिस लास्ट ईयर कि सी वेन एवर क्वेश्चन इज आस्ट तो हम उसको अप्रोच करते हैं पेस्टल एक्निम से जो काफ़ी लोग जब जो बहुत लोग करते हैं कि पोलिटिकल इकोनॉमिक सोशल कल्चरल दे राइट ऑल डायमेंशन टू दीज पॉइंट्स सो वेन इट कम्स टू से क्वेश्चन कोई आ रहा है सोसाइटी से तो आप उसको और रिलेवेंट बना दो वो सब हेडिंग को वो आप कैसे करोगे तो आप पॉलिटिकल के आगे सोशियो लगा दो सो द सब हेडिंग वुड भी सोशियो पॉलिटिकल सोशियो इकोनॉमिक सोशियो कल्चरल सो दिस विल मेक योर आंसर मोर रिलेवेंट एंड आधा एक नंबर आपको ज़्यादा मिलने की संभावना है इसमें भी द अदर थिंग आई वुड वॉन्ट टू से एग्जाम्पल्स आपको बहुत ज़्यादा रिलेवेंट यूज़ करने हैं सपोज़ सोसाइटी में सेक्युलरिज्म का टॉपिक आता है And how India embraces secularism, or what? How what is the difference between Indian secularism and Western secularism,? Jo concepts So uh, a year ago, uh, we had uh, the stone foundation stone laying ceremony of uh, Central Vista, and there an all uh, faith prayer was conducted. Now this all faith prayer conducted uh, at the inauguration of Central Vista is the best example of how. Uh, of how we embrace secularism, how we define secularism. so there could be no other uh, uh, example more relevant than this. so you can note these examples down and make use of them in your answers. and it will certainly bring a smile on your on the face of examiner when he is uh, correcting your papers. Uh, second thing, uh, when we come to gs2, i think uh, gs2 has a different uh, rule book to uh, play with. कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल्स डी पी एस पीज़ कमीशंस सुप्रीम कोर्ट जजमेंट्स बहुत कोर्ट uh, करने होंगे uh, आपको ये पता होने चाहिए आपके आंसर को जो सूट करता है वो आपको आंसर में लिखने होंगे uh, और आप ये भी कर सकते हो कि कॉन्स्टिट्यूशन पे कॉन्स्टिट्यूशन रिलेटेड कोई क्वेश्चन आता है तो काफ़ी एक्सपर्ट्स uh, ने उस पर अपने कमेंट्स दिए हैं तो आप ऐसे किन्हीं दो या तीन व्यक्तियों के कमेंट्स लर्न करके रखिए और जब कॉन्स्टिट्यूशन की बात आए तो आप वो एक्सप्लेन कर सकते हो उसी प्रकार से जब अमेंडमेंट uh, की बात आए या फिर कुछ ये आए तो आप आर्टिकल कोट कर सकते हो सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट्स कोट कर सकते हो तो इससे आपका आंसर और ज्यादा रेलेवेंट uh, होगा और ज्यादा अपीलिंग होगा जी एस टू में आपको इंटरनेशनल रिलेशंस के साथ भी डील करना होता है तो इज़ अ वेरी गुड चैनल विच आई रिकमेंड इज़ अमित सेन गुप्ता ये नाम से एक चैनल है यूट्यूब पे तो इनके वीडियोस इंटरनेशनल रिलेशंस पे बहुत ज़्यादा एप्ट है बहुत ज़्यादा रेलेवेंट uh, है बहुत ज़्यादा यूज़फुल uh, है व्हेन इट कम्स टू सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन तो आप इनको रेफ़र करिए मैंने इन्हीं के इससे नोट्स बनाए थे और एक टी uh, न्यूज़ चैनल है जिसका नाम वियॉन है तो इनके भी uh, इंटरनेशनल रिलेशनस पे वीडियोज़ बहुत अच्छे हैं इनफैक्ट एक इन्हीं का एक वीडियो मैंने देखा था ऑकस से रिलेटेड जिसका क्वेश्चन भी एग्जाम में आया था एंड इट हेल्प मी अ लॉट टू आंसर दैट क्वेश्चन जी एस टू के इंटरनेशनल रिलेशन्स में जनरली दे आस्क फॉर योर ओपिनियन योर अंडरस्टैंडिंग अबाउट इंटरनेशनल इश्यूज एंड देन वॉट इंडिया इज़ डूइंग एंड वॉट कैन बी डन सो इसके लिए आपके कंसेप्ट आपके बेसिक्स क्लियर होना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और आपको एक अच्छे सोर्स की आवश्यकता होगी इसके लिए एंड टू एड टू दिस आप इंटरनेशनल रिलेशंस में आ, अपने अपने लीडर्स के एक्सपर्ट्स के लाइंस भी यूज़ कर सकते हो फॉर द ऑनरेबल मिनिस्टर फॉर एक्सटर्नल अफेयर्स डॉक्टर जयशंकर जब वो यू में एड्रेस कर रहे थे तो उन्होंने एक लाइन यूज़ करी थी कि इंडिया इज़ अ वॉइस ऑफ मॉडरेशन एंड एडवोकेट ऑफ डायलॉग सुनाओ दिस लाइन इज़ वेरी इंप्रेसिव टू बी यूज एज अ कंक्लूजन इन टॉपिक्स इन टॉपिक्स ऑफ इंटरनेशनल relations. तो आप ऐसे करके अपने आंसर्स में वैल्यू एडिशन कर सकते हो कमिंग टू जी एस थ्री जहाँ पे इकोनॉमिक साइंस एंड टेक्नोलॉजी एग्रीकल्चर इन सब से डील करना है तो वहाँ भी आप इकोनॉमिक्स के क्वेश्चन में डेटा यूज uh, कर सकते हो आई हैवेंट रिकमेंडेड डेटा फॉर जी एस वन एंड जी जी एस टू एज ऑफ येट बट इकोनॉमिक्स के क्वेश्चन में डेटा इज मस्ट यू मस्ट बी अवेयर अबाउट जी डी पी इन्वेस्टमेंट रेट्स और टैक्स कलेक्शन रेशियो ये सब के बारे में आपको थोड़ा डेटा पता होना चाहिए एंड ये नंबर फेच कराएगा आपको जी एस थ्री के इकोनॉमी सेक्शन में सिमिलरली uh, एग्रीकल्चर की बात करें तो आपको कुछ थीम्स है एग्रीकल्चर में जो आपको अच्छे से प्रिपेयर करनी है जैसे एग्रो प्रोसेसिंग है एग्रो इकोनॉमिक्स है इंश्योरेंस है डाइवर्सिफिकेशन है तो ये सारी चीज़ें कॉमन ये थीम्स है जो बहुत ज़्यादा सिग्निफिकेंट प्लेस ऑक्यूपाई करती है इंडियन एग्रीकल्चर में और जिसका इकोनॉमी पे बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट है तो आपको ये प्रिपेयर करना ही होगा और आप इसके लिए भी वैल्यू एडिशन के पॉइंट्स कर सकते हो आप आई uh, के डेटा को यूज़ कर सकते हो आप मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर के वेबसाइट uh, को यूज़ करके डेटा निकाल सकते हो आप कोर्ट्स यूज़ कर सकते हो जैसे मैंने एसएमए सेक्शन में कहा था कि इकोनॉमिस्ट uh, गुनर मिर्डाल का एग्रीकल्चर पे जो कोर्ट है इट आल्सो बिकम्स रेलेवेंट इन जियस थ्री पेपर सिमिलरली व्हेन वी गो टू जी एस फोर ना जी फोर इज़ ऑल टुगेदर अ डिफरेंट गेम टू प्ले विथ बिकॉज यहाँ पे आपको प्रिपरेशन पहले से आप करके जा सकते हो बट क्वेश्चंस आपको एब्स्ट्रैक्ट uh, आएंगे आपको बाउंसर्स आएंगे और आपको उ उन क्वेश्चंस के साथ उसी टाइम पे डील करना है तो फॉर दिस आई वुड सजेस्ट कि आप आंसर राइटिंग प्रैक्टिस कीजिए एथिक्स के लिए बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस कीजिए क्योंकि ये uh, यही एक चीज़ है जो आपको फाइनल पेपर में सस्टेन करा सकती है एंड यू कैन कम अप विथ योर ओन अप्रोच टू राइट एथिक्स सेक्शन ए पेपर स्पेशली जैसे मैं अपनी बात करूँ तो मैंने एक एक्रोनिम बनाया था सिड करके तो सिड बी इज एस आई डी बी एंड इसमें एस स्टैंड फॉर सोसाइटी आई फॉर इंडिविजुअल टी फॉर डेमोक्रेसी बी फॉर बिजनेस एंड आई फॉर इंटरनेशनल इंटरनेशनल प्लेयर्स Now, this is useful when you need to write examples, when you need to explain concepts in ethics section A paper. यदि आपको कोई कंसेप्ट को एक्सप्लेन करना है कोई कोड को एक्सपैंड करना है या फिर कोई एग्जाम्पल्स सर्च करने हैं तो आपको ऑल ऑफ सडन एट दैट पॉइंट कुछ याद नहीं आएगा तो आप सिडबी का अप्रोच यूज़ कर सकते हो आपको एक एक एग्जाम्पल तो मिल ही जाएगा आपको इंटरनेशनल से मिल जाएगा बिजनेस एथिक्स होते हैं कुछ कंपनीज दे आर प्लेइंग गुड दे आर प्लेइंग फेयर सम आर नॉट प्लेइंग गुड दे आर अनफेयर तो आपको बिजनेस uh, से कॉरपोरेट एथिक्स कॉर्पोरेट गवर्नेंस से एग्जाम्पल मिल जाएगा आपको इंडिविजुअल से नेशनल लीडर्स uh, से एग्जाम्पल्स uh, मिल जाएंगे आपको डेमोक्रेसीज पे मिल जाएगा कहीं पे डेमोक्रेसी इज वेरी फ्लरिशिंग समवेयर द राइट्स आर बीइंग कर्ब्ड सो

राजा राम मोहन राव और डॉक्टर अंबेडकर को एक एक ही आंसर में कोट मत कीजिए क्योंकि इट वुड बी इट वुड बी एग्जांपल फ्रॉम सिमिलर एरिया एंड आल्सो फ्रॉम सिमिलर टाइमलाइन टू से सो आप एक कंटेम्प्रेरी एग्जांपल लिखिए एक हिस्ट्री से लिखिए या फिर एक हिस्ट्री uh, से लिख रहे हो तो एक uh, किसी और फील्ड uh, से आप लिख सकते हो तो इससे आपका आंसर और डाइवर्सिफाइड लगेगा और आपको uh, सारी फील्ड्स आप uh, कवर कर पाओगे सो दिस इज़ वन स्टे ऑन दैट एंड एथिक्स में आप कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल्स एस्पेश डी पी एस पीज काफ़ी कोट कर सकते हो बिकॉज डी पी एस पीज़ आर एम्ड टू ब्रिंग सोशल इक्वालिटी एंड जो एथिक्स में काफ़ी आपको उसका यूज़ हो सकता है कंटिन्यूइंग विथ एग्ज़ाम्पल्स कभी कभी हमें एग्जाम्पल्स याद नहीं आते पेपर में तो ऐसे में आप कुछ दो तीन पॉइंट्स याद रख सकते हो जिससे आपको एग्ज़ाम्पल मिलेगा ही मिलेगा फॉर एग्ज़ाम्पल आपको कोई पॉजिटिव एग्जाम्पल लिखना है कोई एथिकल एग्जाम्पल लिखना है तो आप गांधी जी को रेफ़र कर सकते हो आप महाभारत से कोई एग्जाम्पल ले सकते हो इन दो से आपको पॉजिटिव एग्जाम्पल मिलेगा ही मिलेगा यदि आपको कोई निगेटिव एग्ज़ैम्पल लिखना है तो आप चाइना को चाइना को देख के लिख सकते हो आपको चाइना से एक निगेटिव एग्ज़ाम्पल तो मिल ही जाएगा एथिक्स पेपर में या फिर आप अफ़गानिस्तान को देख लिख सकते हो So, these four things will always give an example in any question of uh, ethics paper. So, if you have any then this is uh, last resort where you can try. Apart from this, uh, while dealing with section B in the ethics paper, where we deal with case studies, we need to be very practical while giving our solutions because the commission expects us to understand the situation given in the case and then come out with. a... Uh, और प्रैगमेटिक सोल्यूशन विच कैन बी इम्प्लीमेंटेड ऑन ग्राउंड तो वी निड नाट टेक अ कोर्स ऑफ एक्शन जो एक सुपर हीरो की तरह हमें कोर्स ऑफ एक्शन नहीं लेना है हमें एकदम प्रैक्टिकल तरीके से सोच कर सोल्यूशन लिखना होगा वहाँ पर तो इसमें भी आप अलग अलग अप्रोचेज यूज़ कर सकते हो फॉर uh, एग्जाम्पल कोई डेवलपमेंटल ईशू uh, पे केस स्टडी है तो आप उसमें सोल्यूशंस uh, के तौर पर शॉर्ट टर्म मीडियम टर्म और लॉन्ग टर्म स्ट्रैटेजी एक्सप्लेन कर सकते हो यदि आपको रिस्पांसिबिलिटी uh, दी है कि आपको कोई प्रोटेस्ट को कंट्रोल uh, करना है कोई रायट सिचुएशन को कंट्रोल करना है तो वहाँ पर आप अपनी uh, स्ट्रेटजी को दो इसमें बायोफर्केट कर सकते हो जहाँ वन इन वन यू विल डील विथ इंटरेक्टिव मेजर्स जहाँ बातचीत करके सॉल्व करोगे एंड देन सेकेंड इज कोर्जिव मेजर्स जहाँ पे आपको फोर्स uh, का यूज़ करना पड़ेगा लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन को कंट्रोल करने के लिए तो दीज कैन बी बायोफर्केट एज दिस आप यदि आप कोई केस स्टडी में आपसे एटीट्यूडनल चेंज लाने की बात हो रही हो किसी स्टेट किसी केस स्टडी में तो आप सी ए बी अप्रोच यूज़ कर सकते हो ना सी अप्रोच हम लोग थेरेटिकल थेरेटिकली पढ़ते हैं सेक्शन ए के लिए कि कॉग्नेटिव अफेक्टिव और बिहेवियरल अप्रोच क्या होता है एटीट्यूड में तो आप उसी को यूज़ करके केस स्टडी में अप्लाई कर सकते हो यहाँ काग्नेटिव सब दोगे और आप उसके सामने लिखोगे कि Uh, उनको नॉलेज देने के लिए आप क्या मेजर्स लोगे सिमिलरली फॉर अफेक्टिव एंड बिहेवियरल सो यू आर इंटीग्रेटिंग द थियोरेटिकल नॉलेज यू स्टडीड इन सेक्शन ए विथ सेक्शन बी के स्टडीज सो दिस विल लीव अ वेरी गुड इंप्रेशन ऑन द एग्जामिनर सिमिलरली देर कुड बी केस स्टडीज जहाँ पे आपको अपनी स्ट्रैटेजी अपने कोर्स ऑफ एक्शन को uh, ऐसे बायफकेट करना होगा जहाँ पे आप बोलोगे कि दिस इज़ पार्ट ऑफ माई लीगल ड्यूटी एंड दिस इज पार्ट ऑफ माई एथिकल ड्यूटी बिकॉज दे टू नॉट नेसेसरीली टूगेदर एट ऑल टाइम्स सो आप ऐसे भी कर सकते हो एंड टू एड वैल्यू आंसर्स टू केस स्टडीज आप इसमें एथिकल जारगन्स का यूज कर सकते हो बट इन अ वेरी एक्सप्लेनेटरी वे और इन अ सिंपलिस्टिक मैनर फॉर एग्जाम्पल कोई केस स्टडी आपसे पूछी हो जहाँ पर आपको वैक्सीन डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में बात करनी है तो आप वहाँ पर लिख सकते हो कि आई वुड गो विद द प्रियोरिटेरियन प्रिंसिपल ऑफ डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस सो so, ऐसे कुछ एथिकल जार्गन्स आप लिख कर अपने आंसर को और ज़्यादा वैल्यू ऐड कर सकते हो क्योंकि कुछ ट्रेडिस कुछ केस स्टडीज़ में आप आपके सर्विसेज के मोटोज लिख सकते हो फॉर एग्जाम्पल द एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज का मोटो है योगा कर्म कौशलम दैट इज़ योगा इज़ परफेक्शन एट वर्क तो आपकी कोई केस स्टडी हो जिसमें आप ये आप रिलेट कर पा रहे हो तो आप लास्ट में कंक्लूजन में ऐसा लिखती है कि दिस इज़ द मोटो ऑफ़ माई सर्विस एंड आई वुड लाइक टू स्टिकट बाई द मोटो एंड इम्प्लीमेंटेड इन माई वर्क या फिर कोई रेवेन्यू सर्विसेज uh, uh, से रिलेटेड कोई केस स्टडी हो तो आप रेवेन्यू सर्विसेज का मोटो लिख दीजिए जो कौटिल्यन uh, डिक्टम uh, है कि ट्रेजरी इज़ द बेसिस ऑफ प्रोस्पेरिटी सो वाइल कंक्लूडिंग यू राइट दिस एंड से दैट देफो आई वुड स्टिक टू माई ड्यूटी एंड टेक द एक्शन वट एवर यू हैव रिटन अबाउ सो आप ऐसे कर सकते हो आप कभी कभी ऐसा होता है कि कुछ केस स्टडीज़ रियल लाइफ सिचुएशन से या रियल लाइफ प्रॉब्लम से सिमिलर होती है काफ़ी तो ऐसे में देर आर ऑलरेडी ऑफिसर्स हु हैव डन एक्सेप्शनली वेल इन देयर फील्ड्स इन देयर डिस्ट्रिक्ट्स इन प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने में uh, और इन प्रॉब्लम्स को कैटर करने में फॉर एग्जाम्पल देर अ प्रॉब्लम ऑफ सैंड माइनिंग एंड देर एन ऑफिसर उन्होंने बहुत अच्छा काम किया है सो वह अगर कोई सैंड माइनिंग पे आती है केस स्टडी तो आप उनका नाम लिखिए लास्ट में कि दिस ऑफिसर हैज़ डन एक्सेप्शनली वेल एंड आई वुड लाइक टू फॉलो हिज और हर स्टेप्स इन डूइंग दिस और ही और शी विल मोटिवेट मी इन डूइंग दिस ऐसी एक ऑफिसर है जिन्होंने बहुत अच्छे से काम किया है ट्राइबल एरिया में अपलिफ्टमेंट के लिए तो ऐसी कुछ आए उनके इनिशिएटिव है आप उनको लिखिए कि दिस ऑफिसर हैज़ टेकन दिस इनिशिएटिव इन दिस एरिया एंड आई वुड गो ऑन सिमिलर थिंग आई आई वुड लाइक टू डू अ सिमिलर थिंग टू डेम एंड दिस विल मोटिवेट मी तो आप ऐसा कुछ करके उसको और इंटरेस्टिंग और इन्फॉर्मेटिव और वैल्यू uh, ऐड कर सकते हैं उसको बेसिकली आप ये सब करोगे तो आपके जी में एक या दो नंबर हर क्वेश्चन में बढ़ेगा एंड इससे आपको ओवरऑल स्कोर इंक्रीज करने में बहुत ज़्यादा हेल्प हो सकती है एंड दिस मैटर्स अ लॉट बिकॉज जी एस पेपर्स में कंपटीशन बहुत होती है एंड जब आप प्रिपेयर करके जाओगे तो आपको इसका बहुत ज़्यादा लाभ हो सकता है एंड वन मोर थिंग आई वॉन्ट टू एड कि जियस पेपर्स में एवरी वन फॉलोज दी आई बी सी पैटर्न इंट्रोडक्शन बॉडी एंड कंक्लूजन तो आपको भी यही करना है बट वॉट यू कैन डू इज यू कैन गो प्रिपेर विद सम इंट्रोडक्शन्स सम कंक्लूजन्स सो दैट सेव टाइम इन द एग्जामिनेशन तो आपको उधर ये सोचने का टाइम आप बचा सकते हो जो आप आंसर्स में उसको यूज कर सकते हो और इससे आप अपने आंसर को और ज़्यादा इम्प्रेसिव बना सकते हो सो देर आर मैनी थीम्स विच गेट रिपीटेड फ़ॉर एग्जाम्पल सोसाइटी में ग्लोबलाइजेशन सेक्युलरिज्म अर्बनाइजेशन ये रिपीट होते हैं तो आप इनके कुछ इंट्रोडक्शन्स बना के रख लीजिए उस तरह गवर्नेंस ई गवर्नेंस सिक्योरिटी इंटरनेशनल रिलेशंस इन पे क्वेश्चंस बनते ही है तो आप इनके इंट्रोडक्शंस बिफोर हैंड थोड़ा पढ़ लीजिए थोड़ा रफ आइडिया ले लीजिए इन चीज़ों पर तो आपको एग्जामिनेशन में ये बहुत यू वुड बी एबल टू राइट दीज आंसर्स वेरी एफर्टलेसली And this will help you to attempt all the questions in the paper because that is the most important thing to do. If your then you will have to pay a very heavy price, uh, especially in GS4 papers. Uh, sorry, especially in all the G, uh, four GS papers. Now, having uh, said uh, everything about uh, writing, how to write essay and GS4 papers, I would uh, like to uh, shortly tell about what this exam is.

यू आर यू कॉन्ट लिव विदउटिंक यू कॉन्ट लिव विदाउट जैसे आपका सोशल मीडिया हैंडल्स हो आपके आपके आपका फ़ोन का एडिक्शन हो तो ये आपको थोड़ा गिव अप करना पड़ेगा इस एग्ज़ाम तक ताकि आप, आपका फोकस बना रहे प्रिपरेशन पर और आप डिस्ट्रैक्ट ना हो तो गिव अप सर्टन थिंग्स दैट इज वेरी मच एक्सेप्टेबल आपको एक दर इज नो अदर थिंग्स यू कैन डू फॉर दिस हैिव अप सर्टन थिंग्स सेकेंड थिंग इज यूल हैव टू कीप पुशिंग बिकॉज ये एग्जाम साइकिल्स uh, में होता है हर एक एग्जाम में तीन स्टेजेस है तो आपको कभी uh, सफलता प्राप्त हो सकती है कभी विफलता भी प्राप्त हो सकती है तो आपको इन अप्स एंड डाउन में यूल हैव टू कीप पुशिंग देर आर बैड टाइम्स बट यू विल हैव टू बी कॉन्फिडेंट ट्रस्ट योर सेल्फ एंड कम बैक स्ट्रॉगर ये एक ही तरीका है जो इस एग्जाम को इस एग्जाम में आपको गो थ्रू करा सकता है बिकॉज दिस एग्जाम is not only a test of your knowledge, it also tests many things and from those your endurance, your persistence, your uh, patience they are very 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 important. and third thing I would like to say is practice. Uh, in hard work I would say is practice because यदि आप प्री के papers MCQs practice नहीं करेंगे या आप answer writing practice नहीं कर रहे आप ऐसे लिख के नहीं देख रहे तो आपको examination में आप आपका paper complete ही नहीं हो सकता इसके बिना क्योंकि वहाँ आपको दो कंस्टेंट्स होंगे एग्जामिनेशन में एक तो टाइम का कंस्टेंट होता है दूसरा नॉलेज का कंसटेंट होता है तो नॉलेज के कंसटेंट को आप कभी फिल कर ही नहीं सकते क्योंकि सिलेबस इतना बड़ा है और एवरीथिंग अंडर द स्काई कैन कम तो आप नॉलेज के गैप को फिल नहीं कर सकते तो आप एक काम कर सकते हो आप टाइम कंस्टेंट को एड्रेस कर सकते हो तो ये कब होगा जब आप बहुत ज़्यादा आंसर राइटिंग टेस्ट सीरीज प्रैक्टिस करेंगे तभी ये पॉसिबल होगा सो so, ये तीन चीज़ आपको करनी है हार्डवर्क में आपको यू विल हैव टू गिव सर्टन थिंग्स You will have to keep pushing through ups and downs, and you will have, uh, have to practice writing and solving uh, MCQs. Ethics with S Ansari remains the best ever choice. Do you know that ethics paper is the only paper in general studies that pays more with less efforts? One can easily secure 130 to 140 marks. Lukman IS is a well established name since 2014 for ethics paper. We offer three types of courses Ethics Foundation Course, Ethics Case Studies, and Ethics Test Series. Since 2015, Lukman IAS students have maintained the records of securing the highest marks in this paper. So, why to wait? Contact us today for more information. Uh, the next thing I would say uh, that is required is patience. Uh, एक बहुत फेमस एक्सपेरिमेंट है वॉल्टर मिशेल ने जो किया था उसे मार्शमेलो एक्सपेरिमेंट कहते हैं तो इन दिस ही एक्चुअली शोड दैट द एबिलिटी टू डीले ग्रैटिफिकेशन विल हेल्प यू सक्सीड मोर इन इन एनी एग्जाम और इन लाइफ इन जनरल सो ये वॉल्टर मिशेल का मार्शमेलो एक्सपेरिमेंट बहुत ज़्यादा रेलिवेंट uh, होता है यू पी एस के प्रिपरेशन के लिए सो आई वुड रिकमेंड एवरी वन टू गो बैक एंड रीड द वॉल्टर मिशल्स एक्सपेरिमेंट and uh, it will help you actually it will help you to deal uh, with uh, this exams uh, pressure and uh, second thing which I would like to say in patience uh, is uh, a need a requirement for a good mentor is पूरे journey uh, mein आपको एक कोई mentor चाहिए जो आपको guide कर रहा हो आपके distract आप अगर यदि distract हो रहे तो आपको पुनः uh, मार्गदर्शन कर रहा हो तो इससे आप uh, एग्जामिनेशन में आप डिस्ट्रैक्ट नहीं होंगे और आपका फोकस बना रहेगा एंड विच इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट तो दिस इट्स वेरी इंपॉर्टेंट दैट यू हैव अ वेरी गुड मेंटर बाय योर साइड हु नोज वॉट यू आर डूइंग हु नोज यूर कैपेसिटी योर स्किल्स एंड यूर स्ट्रेंथ्स एंड वीकनेसेस बट नॉट एवरी वन इज फॉर्चुनेट टू हैव अ गुड मेंटर एंड देफो आई सजेस्ट दैट योर माइंड कैन बी अ व व वेरी गुड मेंटर टू यू एंड आई वल्सो अगेन कोट एन ऑथर Uh, उनका नाम मिल्टन है उन्होंने अपनी बुक लॉस्ट पैराडाइज में लिखा है कि अ गुड माइंड कैन मेक हेवन आउट ऑफ हेल एंड हेल आउट ऑफ हेवन सो दिस इज़ वेरी इम्पोर्टेंट इन दिस एग्जामिनेशन बिकॉज हियर यू विल हैव स्ट्रेस यू विल हैव प्रेशर यू विल हैव दैट यू विल सफ़र विद लो कॉन्फिडेंस एंड इन सब में आपको एक स्ट्रोंग माइंड आपको एक स्ट्रोंग बैकिंग होगी तो आप इस एग्ज़ाम को ईजिली एस कर पाएंगे so these two things i would uh, say in uh, keeping patience and third thing which i was uh, saying is uh, to be uh, smart or to uh, smartly uh, approach this exam and i say this because uh, content sabhi ke paas hai, resources sabhi ke paas hai, uh, strategies sab, kar rahai, padhai mehnat sab karte hai. but the one who uses little smartness in doing all of this can ace the examination इनिशियल इन इनिशियल अटेप फ़ॉर एग्ज़ाम्पल यदि आपको आपकी स्ट्रैटी बनानी है तो आप एक काम कीजिए आप जि जो भी uh, जिन्होंने ये एग्ज़ाम पहले क्लियर किया है उन्होंने अपने वीडियोज़ बनाए हैं अपनी स्ट्रैटजीज़ दी है अपने ब्लॉग्स लिखे हैं तो आप उन सबको रेफ़र कीजिए उससे आपको पता चलेगा कि आप किस टॉपर से आप किस पर्सन से ज़्यादा सिमिलर आपका बैकग्राउंड है आपके स्किल्स है वो किस पर्सन से मैच करता है तो so, आप उस पर्सन की स्ट्रैटेजी यूज कीजिए या फिर जो दूसरे हिल है उनके अगर आपको कोई अच्छे पॉइंट्स लगते तो आप अपनी स्ट्रैटेजी में उन पॉइंट्स को इंक्लूड कीजिए सो हैविंग व्यूड वेरियस स्ट्रैटेजीज एंड मल्टीपल वेज ऑफ अप्रोचिंग द एग्जाम यू कैन डिवाइस योर ओन स्ट्रैटेजी एंड दैट वुड बी एक्सट्रीमली बेनिफिशियल फॉर यू इफ आई वर टू एक्सप्लेन इट मोर अ लॉट गोइंग गोइंग अबाउट आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस तो बेसिकली होता क्या है इसमें कि आपको इंडिविजुअल सेंट्रिक डेटा मिलता है एनालिसिस मिलता है तो ये वही है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टेक्स डेटा एनालिज इट एंड कम्स आउट विद मोर इंडिविजुअल सेंट्रिक रिजल्ट तो आपको वही करना है आपको तो ह्यूमन इंटेलिजेंस यूज कर कर सभी की स्ट्रैटेजीज को पढ़ना है उनको समझना है और ख़ुद की एक स्ट्रैटेजी बनाना है जो आपको एग्ज़ाम में uh, सफलता दिला सकती है एंड ये कुछ भी मतलब ये आपको जो सूट करेगा वो करना है फॉर एग्जाम्पल मुझे लगा था कि uh, मैंने मुझे न्यूज़पेपर्स पढ़ना कभी पसंद नहीं था तो आई नेवर रेड न्यूज़पेपर्स फॉर दिस एग्जाम तो मैंने ये कब सीखा जब मैंने किसी टॉपर को uh, बोलते सुना था कि uh, मैंने न्यूज़पेपर नहीं पढ़ा एंड आई स्टिल क्लियर दिस एग्जाम सो दिस गेव अ कॉन्फिडेंस एंड आई थाट कि येस आई रिलेट टू दिस पर्सन इन्होंने नहीं किया तो मैं भी नहीं करूँगा मैं कहीं और से कवर कर लूँगा कोई कंपाइलेशन पढ़ लूँगा तो मेरा भी हो जाएगा

सो so बेसिकली ये आपको यू के इस सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन के हर स्टेज में आपको इसका उपयोग होगा आपने यदि प्रीलिम्स दे दी है अभी प्रीलिम्स हुई है आपने प्रीलिम्स दी है आपको सफलता मिल रही है तब भी परीक्षा जारी रहेगी यदि आपको सफलता नहीं मिल रही है तब भी आपको पुनः प्रीलिम्स देना होगा मेंस का भी ऐसे ही है और इंटरव्यू का भी ऐसे ही है तो एग्जाम के हर स्टेज में आपको ये कोर्ट काम आएगा कि द गेम इज़ नॉट ओवर टिल इट्स ओवर टिल यू फाइनली Come out with flying colors and make it to the final list. So, this is from my side. I thank you all.